आवाज बुलंद कर सलो बेशुमार मोहम्मद बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पांचवें ताजदार का फरमान है माशाल्लाह, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे एक दफा दुरूद भेजे माशाल्लाह, और एक दफा दुरूद भेजने के बाद 400 साल वो बंदा खामोश रहे, ये इमाम फरमा रहा है दरूद के बारे में। फरिश्ते से कहते हैं कि ऐ बंदा खुदा, अभी तो हम पिछले ही दरूद का सवाब लिख रहे हैं, हम पे एक और आसान कर दिया है माशाल्लाह, तो मिलके बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वालिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला दाइम अजमईन। अम्मा बाद, फकत फी किताबिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक बिल हक बिल क़ासिम मुहम्मद। फातिमा की आज पहली मजालिस अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, जो भी बारगाह में तशरीफ ले रहे हैं, मजलिस अज़ा में मौजूद हैं, हाजरी मजालिस की तमाम निकाजत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, खुसूसन बिलखुसूस बानियान मजालिस में के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए, बानियान मजालिस के जितने भी मरहूमीन हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, के दर्जात बुलंद वस्ते बुलंद दर सलवात बात शुरू होगी। आप हजरात के सामने मैंने अल्लाह की किताब, अल्लाह की लाई किताब से अल्लाह का फरमान पढ़ने का शर्फ हासिल किया है कि जिसमें परवरदिगार फरमा रहे हैं कि ऐ अहले बैत, मेरा इरादा है कि मैं आपको बाग रखूं। माशाल्लाह, एक दफा सलमान भेज रहे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की जात पर, मेरे चौथे इमाम को फरमान है कि इंसान जो होता है उसके कांधों पर दो फरिश्ते होते हैं। अब दो कांधे हैं तो फरिश्ते कितने होंगे? दो। हर एक का अल्लाह ने काम उसके हवाले किया कि आपने फला काम करना है, एक का काम है नेकी लिखना और दूसरे का काम है गुनाह लिखना। जो भी बंदा नेकी करता है फरिश्ता उसे लिख लेता है, जो भी बंदा गुनाह लिखता है गुनाह करता है दूसरा फरिश्ता उसे लिख लेता है। इमाम ने फरमाया कि आपको एक ऐसा अमल बताओ कि जिसके करने पे ये दोनों मसरूफ हो जाए, एक फारिग होता है दूसरा मसरूफ होता है, दूसरा फारिग होता है पहला मसरूफ हो जाता है। तो इमाम ने फरमाया, सच्ची मांग के सच्चे बेटे ने फरमाया कि आपको ऐसा अमल बताओ जिसके करने में ये दोनों मसरूफ हो जाए। उसने फरमाया जी मालूम बताएं। आपने फरमाया सुबह से लेकर शाम तक मेरे प्रांति सहरा के दुश्मनों पे तबरा दिया कर, एक देखिए कितना चला जाता है, एक गुना मिटाना शुरू हो जाए। माशाल्लाह, ये सैयदा की फजीलत है।
फरमाते मेरी दादी के दुश्मनों पे तबर्रा किया कर, एक गुना मिटाना शुरू हो जाएगा, दूसरा नेकियां लिखना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने बेहद किताब में फरमाया क्या इब्राहिम मेरे घर को दो बाप रख। अब अल्लाह फरमा रहा है किससे, इब्राहिम नबी को। सूरह हज में फरमा रहा है कि मेरे घर को आप बाप रखो, इब्राहिम नबी की टोटी लगी कि मेरे घर को आप बाप रखे। अब उसी अल्लाह की बेहद किताब में अल्लाह ने फरमाया कि अहले बैत मेरा इरादा ये है कि मैं आपको बाप रखूं। माशाल्लाह। अब अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मैं मेरे घर को तुम बाप रखूं। मैं कहूंगा अल्लाह अजब बात है, अपने घर को बाप रखने के लिए एक नबी की टोपी लग रही है, अहले बैत को बाप रखने के लिए खुद कह रहा है मैं उनको बाप रखता हूं। पता चला जिसे इब्राहिम नबी बाप रखे उसने खाना काबा बैतुल्लाह कहते हैं, जिसे अल्लाह खुद बाप रखे उसे अहले बैत कहते हैं। माशाल्लाह। ये सैयदात की फजीलत है। हदीस कुर्सी है कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद अगर मैं आपको ना पैदा करता तो दुनिया में कोई चीज ना पैदा करता, कोई चीज ना बनाता। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद आपको तो मैंने पैदा कर दिया, आपको खलक कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ मोहम्मद आपको भी ना पैदा करता अगर मैं अली को ना बनाता, अली को ना पैदा करता। फिर अल्लाह ने फरमाया, हदीस आगे बढ़ी, फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ मोहम्मद आपको भी बना दिया, ऐ अली आपको भी बना दिया, ऐ अली आपको भी बना दिया, ऐ अल्लाह आप ऐ मोहम्मद आपको भी बना दिया। अल्लाह ने फरमाया जिसको जिनको मैंने एक दोनों को पैदा तो कर दिया, इनको पैदा दिया मोहम्मद को बनाया, उनके नाम बाकी अली को बनाया मोहम्मद के लिए, पता चला मोहम्मद बना अली के लिए, अली बने मुर्तजा बने सैयदा के लिए। ये सैयदा की फजीलत है। अब इसी सैयदा को मुसलमानों ने ऐसा अजर दिया कि सैयदा को कहना पड़ा बाबा वही मुसलमान हैं जो आपके पास बैठा करते थे, दुनिया में कोई मसला आए ना आए एक सैयदा का हक न छुपाना, ये अपने घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को बताया करो कि सैयदा का हक क्या है, बदूल का हक क्या है। तो आप क्या करो, कदर वाली चीज कदर वाले के सामने जाए, कभी कदर वाली चीज पे कदरे के सामने ना जाए। जैसे यूसुफ को बेकदरों ने बेचा था, उसे यूसुफ की कीमत का क्या पता था। अगर बेचने वाला यकूब नबी होता तो पता चलता यूसुफ की कीमत क्या है। जिस तरह सवाल करते जहरा गई थी, काश मिंबर पे मोहम्मद होते, जहरा जाती फिर पता चलता जहरा रो के आती है। चंद दिनों बाद मुसलमानों के दरबार में चली गई थी, मुसलमान कहते हैं जहरा क्यों आई है, जहरा रो के कहती बाबा मुझे दलील कर दी है, बाबा मुझे दलील कर दी है, मेरी जगीर पर आपने कब्जा किया हुआ है। जहरा रो के कहती है जगीर पे तुमने कब्जा किया हुआ है, मैं अपनी जगीर लेने आई हूँ। मुसलमान कहता तू गवाह है तो बेच कर, हसन हुसैन का सारा लेके कहती मेरे गवाह है। मुसलमान कहते गवाह बेटे नहीं होते हैं। सैयदा कहती बाबा की लिखी हुई दलील मेरे पास है। सैयदा ने काम दो हाथों से बाबा की लिखी हुई दलील पेश की, मुसलमान पढ़ते रहे एक दूसरे को भी दूसरे तीसरा को भी मुसलमान पढ़ते रहे, कहते रहे हाँ मोहम्मद की दलील है, मोहम्मद की गवाह यही है दलील है। हम कहा तो बनता है अल्लाह ने बीवी ने कह बीवी ने फरमाया कि मेरे बाबा की लिखी हुई दलील यही है। सहारा लोग को कहती मुसलमानों कब तक तुमने किया हुआ है, जगीर मेरे वापस करो। सहारा के हाथ हाथ मुकाम पे जैसे जगीर दिए मुसलमान के पास गए, मुसलमान ने जगीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह की कहती बाबा तुम्हारे हाथों की लिखी हुई दलील आज मुसलमानों ने बड़े दरबार में तेरी सहारा को भी छुपला
दिया, तेरे हाथ का मीठा वरुदा भी, तेरे हाथ का मीठा वरुदा भी, तेरे हाथ का मीठा वरुदा भी, टुकड़े टुकड़े का भी है। बीबी जान तो मैंने खड़ा है, जहरा भी बस में तो मैं ले लूंगी, फिर जाकर नहीं पाए, जिना के आगे नहीं फरमाया, ये बीबी जब ना बैठा, ये बस बीबी जब तो मेरी माँ की है, बीबी जब फरमाया, ऐ आलिया मुझे पहचान, तेरी माँ मैं जहरा, बीबी बन लेती है, ऐ अल्लाह तो मैंने जब ना मेरे बाप के तो सुनाई देती है, आप नहीं थे आपके बाप के सुनाई नहीं थे, आप वापस आइए बाप कैसे सुनाई होगी है, रोटी कहती है, बुरे दरबार में मुझे पापा के नौकरों ने चुनाया है, बड़े दरबार में असम को भी चुनाया है, रोड़ों की कहती दरबार पर ध्यान सलवार पढ़े।